प्रणाम। ओशो ज़ेन टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ एडवेंचर की, और कार्ड ऑफ एडवेंचर को हम कंपेयर कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जो कि राइडर बेट का कार्ड है। तो एडवेंचर कार्ड में गहरा जाने से पहले थोड़ा पेज ऑफ पेंटिकल्स को समझेंगे। पेजेस जो हैं मैसेंजर्स होते हैं। पेज जो है एनालाइज करता है सिचुएशन को। पेज आपको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, आपको अपनी संभावना के बारे में जो है सूचित करता है। आप क्या हो सकते हैं, कहाँ आपकी ऊर्जा जो है ट्रैवल कर सकती है, उसकी बात करता है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है बात कर रहा है आपके पेंटिकल नेचर की, कि आपके भीतर जो ये जो शरीर की जो क्षमता है, या फिर जो आपके बाहर धन की जो क्षमता है, उसका क्या आयाम आप उसको दे सकते हैं, क्या डायरेक्शन जो है आप उसको दे सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है आपकी लाइफ को जो है एनालाइज करता है, और उस एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आपको बताता है कि क्या बेस्ट डायरेक्शन रहेगी आपके पेंटिकल की, आपके होने की, कि आपकी ये जो पेंटिकल की ऊर्जा के लिए जो है क्या बेस्ट डायरेक्शन रहेगी, उसकी बात करता है। तो इस पेंटिकल के कारण जो है आपको अपनी संभावना का पता चलता है, आपको ये दिखना शुरू हो जाता है कि आप कितना ऊँचा उड़ सकते हैं, क्या जीवन में जो है अचीव कर सकते हैं, क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो सारी बात जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है आपसे करता है। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी पेज ऑफ पेंटिकल्स की। आइए बात करते हैं द कार्ड ऑफ एडवेंचर की। कार्ड ऑफ एडवेंचर को जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक मूवी का एक सीन याद आता है, जो कि मैट्रिक्स मूवी का सीन है, जिसमें नियो को मेटामॉर्फोसिस जो उसके गुरु के समान है वो उसको जो है दो पिल्स जो हैं ऑफर करता है। एक हाथ में जो है लाल पिल है और दूसरे हाथ में जो है नीली पिल है, और मेटामॉर्फोसिस जो है नियो को बोलता है कि अगर तुम जो है अपनी दुनिया में जो है वापस लौटना चाहते हो, अगर रियलिटी नहीं देखना चाहते, तो तुम ये नीली पिल खा लो, तुम सो जाओगे दोबारा और तुम्हारे लिए जीवन जो है वैसा ही हो जाएगा जैसे तुम जी रहे हो। और अगर तुम जो है जीवन की रियलिटी को देखना चाहते हो, जीवन के एडवेंचर को जीना चाहते हो, तो ये लाल पिल जो है खा लो। जिसका ये अर्थ होगा कि तुम्हारा जीवन जो है वैसा ही नहीं रह जाएगा जैसा है, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक आँख आ जाएगी, तुम जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। जिसको तुमने संसार समझा है वो संसार जो है टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप एक यात्रा पे निकल जाओगे तब, एक ऐसी यात्रा जो खुद को जो है पहचानने की यात्रा है, जो खुद को पाने की यात्रा है। इस यात्रा में आपकी एक आँख जो है वो खुलना शुरू हो जाती है, और वो एक आँख ऐसी है कि आप जो है एक दोबारा से जो है एक बच्चे की तरह हो जाते हैं, आपके लिए सब कुछ जो है नया हो जाता है। कार्ड ऑफ एडवेंचर जो है आपको इस जीवन की यात्रा पर निकलने के लिए बोलता है, जीवन को अनुभव करने के लिए जो है प्रेरित करता है, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप एक बच्चे की तरह हैं, जब आपके लिए सब कुछ जो है नया सा है। एक एडवेंचरस स्पिरिट जो है वो ही जो है केपेबल है प्रभु को देखने की, और किस तरह के एडवेंचर की मैं बात कर रहा हूँ, और वो एडवेंचर जो है अपनी आँख को जो है भीतर मोड़ लेना है। जब हम एडवेंचर की बात करते हैं वहाँ पर जो है एक तरह का जोखिम है, एक तरह का रिस्क है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके आगे क्या आने वाला है। लेकिन उस रिस्क के बिना जो है, अगर वहाँ पे जो है एक उस एडवेंचर की फीलिंग नहीं है, तो जीवन जैसे मर सा जाता है, जीवन जैसे मुरझा सा जाता है। तो जिसको हम जीवन कहते हैं उसका जीवित होने का सबूत ये है कि वो कितना जो है अलाइव है, कि कितना वो एडवेंचरस है। तो इस कार्ड के ज़रिए जो है मैं भी आपको जो है ये दो पिल जो है ऑफर करता हूँ, एक लाल और एक नीली। नीली पिल अगर आप जो है अपने संसार को ही जीना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, कि जीवन को इतना नाजुक कर लेना, इतना सेफ कर लेना कि जीवन जो है वहाँ पे मर जाए। लाल पिल मैं अगर आपको दूँ, जो कि आपको जो है इस यात्रा पे जाने के लिए जो है प्रेरित करे, जो कि आपको जो है एक ऐसे अभियान पे लेके जाए जिससे जो है आप अपने आप का अनुभव करेंगे, एक ऐसा अभियान जो खुद को पाने का अभियान है, जो खुद के साथ जुड़ने का अभियान है। एडवेंचर कार्ड जो है उसी की बात करता है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी हम जब हम बात एडवेंचर की कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि बहुत बार जो है हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ जो है सुन लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं करते। कि भगवान कृष्ण की गीता को आपने सुन लिया या पढ़ लिया, लेकिन उसको जो है जिया नहीं, तो उस एडवेंचर पे आप निकले नहीं।
एडवेंचर असली वही है कि जब आप उस यात्रा पे निकलेंगे और जब उस टीचिंग्स को जो है अपने जीवन में उतारते हैं, वहीं पे जो है वो एडवेंचर जो है आपके जीवन का शुरू होता है। असली यात्रा आपके जीवन की तभी शुरू होती है। तो गुरु ओशो यहाँ पे एक बहुत ही अनोखी बात बोलते हैं कि जितने ज़्यादा आप इनसिक्योर हो जाते हैं, उतने ज़्यादा जो है आप जीवन के करीब हो जाते हैं, और जितना आप अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, उतना जो है आप मर जाते हैं। जब आप अपनी इनसिक्योरिटी को स्वीकार करते हैं कि इनसिक्योरिटी है, कि हर वक्त जो है मृत्यु है, कि ये जो जीवन है कितना क्षणभंगुर है, इस सत्य को स्वीकार करना जो है इनसिक्योरिटी के अंदर जो है प्रवेश करना है। और जब इनसिक्योरिटी को जो है आप स्वीकार करते हैं, तो आपके भीतर जो है कि एक एडवेंचर की जो है जर्नी शुरू होती है, अपने आप को पाने की जो है एक यात्रा शुरू होती है। और वहाँ पे जोखिम है, वहाँ पे गिरने की जो है पूरी संभावना है। तो अगर पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर हम इस कार्ड को कंपेयर करें, तो कुछ एस्पेक्ट जो है कंपेरेबल है। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो भी आपको जो है आपकी क्षमता के बारे में बता रहा है कि आप क्या हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में जो है आपकी ऊर्जा ट्रैवल कर सकती है। वो आपको प्रेरित करता है आगे जाने के लिए, वो आपको प्रेरित करता है छलांग मारने के लिए। लेकिन कंपैरिजन पूरी तरह से बैठता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड ऑफ एडवेंचर है वो एक स्पिरिट है, जहाँ पे जो है सोच विचार की इतनी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है जीवन में होने की बात है, जीवन के अनुभवों में उतरने की बात है। तो जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसको आप समझ नहीं सकते, लेकिन जिसको आप जी सकते हैं। और जब जीना शुरू करते हैं, तो हर तरह के अनुभव जो है आपके जीवन में घटते हैं। आप प्रौढ़ ही तभी होना शुरू होते हैं जब आप जीवन में उतरते हैं। इसलिए इस कार्ड का स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग यही है कि अपने जीवन के रहस्य को जो है खोजें, उसके अंदर उतरें, कि जीवन का इतना सुंदर नृत्य जो है आपके आसपास जो घट रहा है, आप कब तक जो है अपने आप को बचा के रखेंगे, आप कब तक अपने सिक्योरिटी में जीते रहेंगे, कब जो है उस आकाश को स्वीकार करेंगे, कब जो है उस यात्रा पे निकलेंगे, वो यात्रा जो आपको आपसे मिलवाएगी। जेन के पद पर एक अनोखी यात्रा, जिसमें ना अधिकार का बंधन ना परंपरा का ठाठ, अतीत से परे एक स्वयं की खोज, ज्ञान निश्चित है पर स्वयं का ज्ञान खतरों से भरा है, पूछता हूं मैं कौन हूं मैं, और सब कुछ धुंधला जाता है जब अस्तित्व के रहस्य में मैं स्वयं को भुला देता हूं। एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ा जहां गुम हो जाने का खतरा, लेकिन यही तो विकास की राह है जिसमें हर कदम अनजाना है। जीवन एक खोज है, प्रश्न नहीं, एक रहस्य है, समस्या नहीं, जिसे जीना है, अनुभव करना है, ना कि सुलझाना है। जब रहस्य में तुम खो जाओ तो तुम गायब हो जाते हो, और बचता है वो रहस्य ही जिसमें तुम्हारा अस्तित्व पिघल जाता है। अज्ञात की चुनौती स्वीकार कर विकास की ओर बढ़ो, वहाँ जोखिम है, बलिदान है, पर यही एकमात्र उपाय है विकसित होने का। अनिश्चितता में ही बढ़ोतरी है, खतरों का सामना करना ही विकास है, अज्ञान की चुनौती स्वीकार करना ही बढ़ोतरी है। जेन कहता है, सत्य अधिकार से अलग है, सत्य परंपरा से अलग है, सत्य अतीत से अलग है, ये एक व्यक्तिगत अनुभव है। ज्ञान तो निश्चित है, पर व्यक्तिगत ज्ञान की खोज बहुत ही खतरनाक है, कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता, मैं भी नहीं। तो कार्ड ऑफ एडवेंचर जो है आपको एडवेंचर पे निकलने को कहता है, जिसको कहते हैं लाइफ। जब आप इस लाइफ में जो है जब आप उतरते हैं, जब इस लाइफ में जो है गहरा जाना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि आपका जो छोटा सा मैं है वो मिटना शुरू हो जाएगा, और आपका मैं जो है वो धीरे धीरे जो है वो कब जो है वो प्रभु का मैं हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो तभी पॉसिबल है कि जब जब आपने छोटे से कमरे से जो है उस बड़े आकाश की तरफ जो है चलना शुरू करें, और वो जो अनंत की जो ऊर्जाएं हैं उसको जो है अपने साथ जो है जुड़ने दें। वो अनंत की ऊर्जाएं जब आपके साथ जुड़ती हैं, आप वही नहीं रह जाएंगे जो आप थे, आप देखेंगे आपका एक नया जन्म जो है होना शुरू हुआ, आपके पास एक नई आंख आनी शुरू हुई, कि जीवन के रंग आपको पहली बार जो है दिखने शुरू हुए। ये है एडवेंचर की यात्रा, ये है अपने आप को पाने की एक यात्रा। तो ज्ञान से बचिए और जीवन में उतरिए। जेन में परंपरा है कि वहाँ पे जो है कुआन जो है शिष्य को दिया जाता है सॉल्व करने को। कुआन एक तरह की पहेली होती है जो कि आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप अपने मन से सोच नहीं रहे,
जब आप जी रहे हैं, क्योंकि अगर आप सोच विचार करके जो है अगर आप जवाब देंगे तो आप फेल हो जाएंगे। क्वान को जो है आप सिर्फ अपने जीवन से सॉल्व कर सकते हैं, सोच विचार से नहीं। तो एक कहानी है, एक शिष्य जो है एक जैन आश्रम में जो है ठहरना चाहता था। उसने जो है दरवाजे पे खटखटाया तो एक और शिष्य जो है वहाँ उस दरवाजे पे गया। अब उस शिष्य को बोल रखा था कि देखो जब भी कोई आए तो उसको जो है तुम्हें जो है ये क्वान देना है, अगर वो सॉल्व करेगा तो ही उसको जो है प्रवेश देना है, तभी उसको ठहरने देना है। तो इस शिष्य ने जो है उस यात्री को जो है ये क्वान दिया। क्वान कुछ ऐसा था, मैं तुम्हें तभी प्रवेश दूंगा जब तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है, और मुझे उस चेहरे के बारे में बताओ जो तुम जन्म से पहले थे और तुम जन्म के बाद हो जाओगे। मुझे तुम्हारा वो चेहरा देखना है जो सदा से था। तो जो यात्री था, जब उसने ये क्वान सुना, उसने अपनी चप्पल उतारी और उस शिष्य के गाल पे दे मारी। ये उसका उत्तर था, उसको जो है आश्रम में प्रवेश मिल गया। शाम को जो है दोनों जो है चाय के लिए बैठे, तो मेज़बान ने जो है अतिथि से पूछा कि तुम्हारा उत्तर तो बहुत कमाल का था, मुझे खुशी हुई तुम्हारा उत्तर जो है जानकर। तो अतिथि मुस्कुराया और मेज़बान से पूछा, क्या तुम्हें मेरा उत्तर समझ में आया? मेज़बान बोला कि नहीं, उत्तर तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन जिस तरह से तुमने मुझे उत्तर दिया, क्योंकि मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतना कुछ जो है सुना है, इतना कुछ जो है गुरु से सीखा है, तो उसके बेसिस के ऊपर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही था। तो अतिथि जो है मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट को देख के मेज़बान जो है थोड़ा सा जो है अपने अंदर अनकम्फर्टेबल होने लगा, थोड़ा चिंतित होने लगा। फिर आखिरकार उसने जो है हिम्मत करके जो है अतिथि से पूछ ही लिया कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे उत्तर का क्या मतलब है? अतिथि जो है दहाड़ मार के जो है हंस पड़ा। उसने कहा कि जितनी किताबें तुमने पढ़ी हैं उतनी किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, जो तुमने सुना है वो मैंने भी सुना है, इसलिए मुझे खुद नहीं पता कि उसका क्या मतलब है। तो जीवन में आप इस तरह से जो है तुक्केबाजी ज़रूर कर सकते हैं, कि जानने का नाटक ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक जीवन में उतरेंगे नहीं तब तक जो है आपके सारे उत्तर जो हैं वो झूठे होंगे। वो सिर्फ उनको इम्प्रेस करेंगे जो किताबों के साथ जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन असली ज्ञान जो है जीवन में उतरना है, उस एडवेंचर को जीना है जिसको कहते हैं लाइफ। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रणाम।